टाइम से टाइम निकाला हमारे लिए। अच्छा रमन भाई, जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसका हमारे पास इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, आपकी वजह से थैंक यू। लोग चाहते हैं कि दोबारा आपके साथ सेशन हो, तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, तो उनके कमेंट्स से ही मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और वो मैं चाह रहा हूँ कि आप क्लियर करें, ताकि उनको डिटेल पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए और यहाँ आके क्या चैलेंजेस होंगे उनको। जिसमें से फर्स्ट हमारे भाई हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया था, उनका नाम है प्रथम छाबड़ा, इंडिया से हैं ये। ये कह रहे हैं कि सर हाउ मच स्टे बैक वी विल गेट आफ्टर बैचलर्स इन स्लोवेनिया फॉर सर्चिंग जॉब। स्टे बैक डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में आए हो। ओके, आपको कॉलेज ने क्योंकि कई कॉलेज प्रोवाइड करते हैं एक साल, वो स्टे बैक नहीं होता, वो जॉब सर्च वीज़ा होता है, उस पर रिटन होता है वीज़ा टाइप के ऊपर कि दिस वीज़ा इज़ फॉर सर्चिंग जॉब। ओके, पर ये डिपेंड करता है कि अगर कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है कि नहीं। अगर आप यूनिवर्सिटी में आए हो तो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है कि नहीं, उसमें डिपेंड करता है। ओके, ये सब चीज़ों में डिपेंड करता है, एक साल का मिलता है। ओके, मैं जिस कॉलेज में आया था उन्होंने एक साल का प्रोवाइड करके दिया है। तो हाँ, अच्छा उन्होंने एक साल का प्रोवाइड किया। अच्छा, उसमें भी अगर उनको जॉब नहीं मिलती दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं क्या वो उस एक साल पीरियड में? एक साल के पीरियड में उनको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, वो रिन्यू नहीं होता। अच्छा, अदरवाइज क्योंकि वो मिलता है इसलिए कि आपने अपनी स्टडी पूरी कर ली है और अब आप अपनी स्टडी के रिगार्डिंग जॉब ढूंढ रहे हो, तो वो एक साल का मिलता है, वो रिन्यू नहीं होता, वो एक साल का होता। अच्छा, है उसी एक साल के अंदर अंदर आपने ढूंढनी है हर हाल में, वो होता है इसलिए है कि आपने, तो वो एक साल का होता है कि उसमें आपने जॉब ढूंढनी है, अगर आपको मिल गई तो वो आप उसको कन्वर्ट करते हैं वर्क परमिट में। Okay. उसमें ऐसा नहीं होता कि आप को एक्सटेंड हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, वो नहीं होता। अच्छा अच्छा, सही सही। तो उस एक साल में आपने ढूंढनी है, अदरवाइज नहीं मिला कुछ भी तो आपको वापस जाना पड़ेगा अपनी कंट्री, ऐसा ही है। एक साल के, एक साल में जॉब नहीं मिलती आपको, फिर आपको 45 दिन और होते हैं। ओके, वीजा, सॉरी, वीजा खत्म होने के बाद उसमें अगर आप कुछ कर ले तो कर ले, नहीं तो उसके बाद आपको वापस जाना पड़ेगा। पर एक साल बहुत होता है जॉब ढूंढने के लिए। अगर आप किसी कंट्री में दो साल तीन साल स्टडी कर लेते हो तो उसके बाद एक साल में अगर आप नहीं जॉब ढूंढ पाते तो इसमें आपका ही मतलब आपने ही नहीं एफर्ट किया है, इसमें कॉलेज की कोई वो नहीं है, कॉलेज ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, तो बिल्कुल सही। अच्छा रमन भाई, सेकंड में आता हूँ। एक भाई थे हमारे इंडिया से, नाम मुझे एग्जैक्टली उनका याद नहीं आ रहा। टीआरपी का जरा प्रोसेस बता दें कि टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट जो है, जो लोग एज अ स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, क्या पहुँचते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, या उसका कुछ टाइम पीरियड होता है? नहीं, टीआरपी तो स्टूडेंट का इंडिया से ही मिलता है, उनको प्रोसेस शुरू हो जाता है कॉलेज एक्सेप्टेंस के बाद। एक महीने का प्रोसेस होता है जिसमें कॉलेज सारे डॉक्यूमेंट रेडी करता है आपको। okay. उसके बाद जब आपके फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं उसके बाद 45 से 60 दिन का टाइम होता है, उसके बीच बीच में आपका कार्ड बन के आ जाता है। इंडिया में ही आता है कार्ड, इधर भी बनता कार्ड, उधर ही होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है कि जब आपकी स्टडी डेट पास हो जाती है तब कई बार वो आपको डी टाइप वीजा दे देते हैं, उसका होता है कि वो होता है लॉन्ग टर्म वीजा। Exactly. तो फिर वो आपको मिल जाता है और इधर आके आप फिर उसके बेस के ऊपर आपका कॉलेज आपको टीआरपी अप्लाई करा के देता है आपका। अच्छा, उस जो डी वीजा मिलता है उस पे जॉब नहीं कर सकते ना वो? नहीं, जब तक आपका कार्ड नहीं आता तब तक नहीं कर सकते, पर वो एक महीने के अंदर अंदर करवा देते हैं। अच्छा, वो आ जाता है क्योंकि वो जो डी वीजा होता है वो सिर्फ ट्रैवल के लिए होता है कि आपने इंडिया से स्लोवेनिया तक आना है, फिर कॉलेज आके आपका कार्ड अप्लाई करा देता है। अच्छा, जैसे मुझे इन्होंने डी वीजा दिया, जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा मैंने तो थोड़ा डिले कर दिया था, वरना सेकंड वन मुझे अप्लाई कर देना चाहिए था। यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे ये चीज भी बताई, मैंने डिले किया क्योंकि इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ डिफरेंट मिल रही थी लोगों की तरफ से, मैं वो ऑप्शन गया नहीं था, वहां गया तो यहाँ मुझे पता चला कि आपको तो जब आप फर्स्ट मंथ पहुंचे उसी मंथ आपको अप्लाई कर देना चाहिए। वो डी वीजा मतलब वो ये होता है कि वो एक तरह का आपके लिए पास होता है कि आपको कंट्री में एंट्री मिल गई है, अब आप अपना जो इनिशियल वीजा आपको चाहिए जो आप करने के लिए मतलब आपका जो मेन पर्पस है वो वीजा अप्लाई कर दो। इसका मतलब डी वीजा पे आप जॉब नहीं कर सकते, आपको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। डी वीजा, सॉरी, वर्क परमिट कह रहा हूँ, टीआरपी करना पड़ेगा, डिपेंड कर रही है। डी वीजा बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में मिलता है, डी वीजा हर किसी को नहीं मिलता। डी वीजा अगर रखिए, मैं 10 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उसमें से एक स्टूडेंट को उन्होंने दे दिया। okay. वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टूडेंट के कोर्स की डेट थोड़ी आगे चली गई या कोर्स थोड़ा पीछे चला गया, कुछ वीजा का पीरियड ज्यादा होता है इसलिए। डी वीजा
तो बड़ी रेयर चांस है कभी किसी को मिलता है, टेम्परेरी कार्ड सभी को मिलते हैं। ओके, उस पे वो जॉब कर सकते हैं इजीली। जब मैं आया था हमारे इधर था एक दो स्टूडेंट्स को डी वीजा मिले थे, वो भी सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस थी, पर उनके भी बाद में टीआरपी कार्ड हो गए थे। सही सही सही। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सर हाउ वाज दिस, ये है हमारे गफूर शेख, ये कहते हैं सर हाउ वाज आईटी सेक्टर इन स्लोवेनिया, आर देयर लॉट ऑफ जॉब्स अवेलेबल? जॉब्स तो इधर काफ़ी हैं आईटी सेक्टर और बाकी सारे सेक्टरों में। आईटी सेक्टर का थोड़ा ऐसा है कि स्लोवेनिया काफ़ी बड़ी कंट्री नहीं है, मोस्टली इधर की टेक्नोलॉजी है वो इम्पोर्टेड है, वो जर्मनी ऑस्ट्रिया वगैरह से उनकी कंपनियाँ इधर इस्टेब्लिश हैं। तो जिन्होंने इंडिया में आईटी सेक्टर में अच्छी मतलब कि एजुकेशन बैकग्राउंड है, जिन्होंने मास्टर्स की हुई है, वो चेक कर सकते हैं लिंक्डइन पे और जॉब्स इन स्लोवेनिया ये वेबसाइट्स हैं, अगर वो अप्लाई करें। अगर वो है मतलब आईटी सेक्टर के लिए, आप वो सिर्फ प्रोफेशनल्स हायर करते हैं। ओके, तो अगर उनको लगता है वो हायर करते हैं इंडियंस है, यहाँ पे काफी इंडियंस हैं जो आईटी सेक्टर्स में जॉब्स कर रहे हैं, वो इंडिया से ही आए हैं, उन्होंने इंडिया से बुलाए हैं, बट उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट काफी हाई है। तो जॉब्स तो है बट आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको फिर अपना प्रोफाइल देखनी पड़ेगी कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है आप उसमें एडजस्ट होते हो कि नहीं होते हो, मे बी उनका एक्सपीरियंस भी वो मांगेंगे, सब कुछ करेंगे। तो जॉब्स तो है, जॉब्स का नहीं कोई है, बट आईटी सेक्टर थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है, इसमें थोड़ा ऐसा हो जाता है कि उनको सिर्फ प्रोफेशनल्स ही चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने स्टडी नॉर्मल की हो और मैं आईटी में अप्लाई करूं तो मुझे जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। अच्छा जी रमन भाई बढ़ते हैं आगे। ये रजिंदर सिंह है, सर स्लोवेनिया वर्क परमिट प्रोसेस वीडियो प्लीज। अच्छा जी, वर्क परमिट वही है जो भी हमने वर्क परमिट का ऐसा होता है कि जब जो वर्क परमिट है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है कि वर्क परमिट का प्रोसेस कैसे चलता है, वर्क इन स्लोवेनिया का आपको बताता हूँ, मुझे बाकी कंट्री का नहीं पता। जी प्लीज। स्लोवेनिया में वर्क परमिट ऐसा होता है कि जैसे रख लीजिए कि आप क्लाइंट हो, आपने अप्लाई करना है और मैं कंपनी हूँ, मैंने आपको वीजा मैंने आपको जॉब देनी है। तो जब आप मैंने आपके साथ बात की कि ये सब प्रोसेस है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हमने वीजा स्लोवेनिया से अप्लाई करना है। ओके, वीजा इंडिया से, इंडिया में सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, जो सारा प्रोसेस होता है वो स्लोवेनिया में होता है वर्क परमिट का। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यहाँ पर होती है, डॉक्यूमेंट सब यहाँ, आपने आपका इंडिया में इतना होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने होते हैं, उसको एक फॉरेन मिनिस्टर और अपना फॉरेन अफेयर्स होती है वहाँ पे एपोस्टाइल कराने होते हैं, क्योंकि जो भी इंडिया के बाहर कोई डॉक्यूमेंट जाते हैं वो एपोस्टाइल होते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये इनकी रिक्वायरमेंट है कि ये क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत होता है, फेक डॉक्यूमेंट्स बहुत होते हैं, ये सब कुछ होता है, तो वैसी और यहाँ पे जो जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, जहाँ पे भी अप्लाई होगा उनका, वो उनको चाहिए कि प्रूफ चाहिए कि ये अफेयर्स से अटेस्टेड हुए हैं कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। अब जैसे मैं गया था यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस करने, तो उन्होंने मुझे बोला आप पहले अपने एम्बेसी में जाओ, इंडियन एम्बेसी में, और अपना ड्राइविंग लाइसेंस अटेस्ट करा के वापस लेके आओ, फिर अप्लाई होगा। तो ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स उधर अटेस्ट होते हैं, फिर इधर आपने कंपनी को भेजने होते हैं, वो आपसे मांग लेते हैं कंपनी जो भी जॉब आपको प्रोवाइड करती है। अब जहाँ पे मैं जॉब करता था पहले, वहाँ पे एक लड़का आया था इंडिया से कुक की जॉब में, उसका भी ऐसा ही हुआ था कि उसने सारे अपने डॉक्यूमेंट एपोस्टाइल करवाए, फिर इधर वो आ गए, इन्होंने इधर अप्लाई कर दिया जो मेरा बॉस था। तो फिर उसका अप्लाई करने के बाद उन्होंने बोला कि आप अपने वर्कर को बोल दो कि जाके फिंगरप्रिंट दे दे। एम्बेसी में फिंगरप्रिंट दे के आया, उधर पैसे भी कुछ नहीं लगे एम्बेसी में। सही। फिर 25-30 दिन के बीच बीच में उसका वीजा आ गया। फिर जब आप कार्ड कलेक्ट करने जाते हो तब आपको 55 से 60 यूरो देने पड़ते हैं। सही। वो इंडियन एम्बेसी को देने पड़ते हैं। पर ये भी है कि कई कंपनियां जॉब प्रोवाइड करने के चार्जेस भी लेती हैं, बट ये है कि जो वो चार्जेस आपके रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको कोई जॉब दे रहा है तो आपको पहले मंथ से सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये सब है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। ये है रिलू आरजी, ये कहते हैं सर इन स्लोवेनिया पार्ट टाइम जॉब्स इज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट? पार्ट टाइम जॉब्स काफी हैं इधर, डिपेंड करता है आप करना कौन सी चाहते हो, डिपेंड करता है कि आप कितनी जॉब करना,
जॉब सारी तरफ होती है, हर कंट्री में जॉब्स होती है। ये तो मतलब कि ऐसा होता है कि कई लोग आते हैं बोल देते हैं कि इधर तो जॉब, जब मैं इधर आने वाला था जी जी ये मैंने जब अप्लाई किया, मैं एम्बेसी में था, वहां पे एक लड़का मुझे मिला, वो बोल रहा है कि मत जाओ उधर जॉब्स नहीं है। अच्छा स्लोवेनिया में, पांच साल पहले की बात है ये, वो लड़का मुझे बोल रहा था मत जाओ, मेरी वाइफ है उधर, वो स्टूडेंट है, मेरे कॉलेज में ही थी उसकी वाइफ, कि उधर कोई जॉब नहीं है, उधर ठंड बहुत पड़ती है, मत जाओ। अच्छा मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी वाइफ भी तो गई, मैं आ गया, पांच साल हो गए, मैं पांच साल में इधर जॉब कर रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है, जॉब्स हर जगह होती है, ये तो बस बोलने की बात होती है कि मतलब जिसने नहीं करनी होती ना वो फिर बोलता रहता है, नहीं होता ये होता है, सब कुछ होता है इधर। अच्छा यहाँ पे एक मैं एक चीज मेंशन करने चलूँ, ये आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहे हैं रमन भाई, ये ऐसा नहीं है या मैंने इनसे कहा है कि ऑफ द कैमरा कि आपने ये चीज बोलनी है, ये खुद ऑलरेडी ये चीज प्रैक्टिकल कर चुके हैं। मेरे पास मेरी सैलरी स्लिप्स है, एग्जैक्टली यस, जब से मुझे जॉब कर रहा हूं ना, क्योंकि इधर सारा कुछ आपके अकाउंट में आता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो कई कई जॉब्स होती है जहाँ पे आपको कैश दे देते हैं, पर मैंने जहाँ भी जॉब की है मेरे पास हर जॉब की सैलरी स्लिप्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि जॉब्स हैं। अगर आप एग्जांपल लगा लो, अगर मैं पांच साल इधर रह रहा हूँ तो कोई रीजन है रह रहा हूँ बिना उसके, तो दैट्स पॉइंट मेक सेंस, एग्जैक्टली, कोई अगर इस कंट्री में जॉब नहीं होगी तो कोई क्यों रहना चाहेगा, एग्जैक्टली, इधर ऑस्ट्रिया पास में, इटली पास में, कहीं कोई कहीं भी शिफ्ट हो जाता है जॉब्स। मेरे फ्रेंड्स हैं, इंडियन फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, वो मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हैं। Nice. पहले जब हम स्टूडेंट थे तो एज अ स्टूडेंट काम कर रहे थे मैकडॉनल्ड्स में, अब वो वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल चुका है एक साल का। नाइस। अच्छा रमन भाई साथ यही भी बताते हैं, अगर स्टूडेंट आते हैं वो एज अ स्टूडेंट उनको पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने के लिए कोई प्रोवाइड कर रहा है तो उनके पास ये टैक्स नंबर बैंक अकाउंट होता है पहले से, उसका क्या प्रोसेस होगा? जब आप आते हो पहली बार ये आपके कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको टैक्स नंबर और बैंक अकाउंट अप्लाई करवा के देना आपको। अच्छा ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज की वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर आपको उनको बोलना पड़ेगा कि आपको चाहिए ये जॉब, क्योंकि ये जब यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज है, जो आपको ऐसा है कि जैसे ऐसा रख लो कि स्टूडेंट सर्विस होती है कि जहाँ पर आप जाके वो पूछ सकते हो कि आपके पास कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। ओके तो फिर वो आपको बताते हैं यहाँ पे इस जगह पे रेस्टोरेंट पे कंपनी में जॉब है, आप उधर जाके उनसे बात कर लो, अप्लाई कर लो, होता है। पर स्टूडेंट सर्विसेज में रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास टैक्स नंबर होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए। और जब आप इधर पहली बार आते हो तो टैक्स नंबर और बैंक अकाउंट आपके कॉलेज की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो आप, क्योंकि आप नए होते हो आपको पता नहीं है, तो हमारा तो हमारे कॉलेज वालों ने हेल्प की थी, वो हफ्ते के अंदर अंदर बन के आ जाता है, इतना कोई ज्यादा नहीं होता। अच्छा वंस अगेन गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पांस यार। फर्दर जो भी आपको कोई चीज पूछनी हो तो मेरा इंस्टाग्राम, फर्दर मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है, रमन भाई का भी मेंशन कर दूंगा। एक्चुअली होता क्या है, रमन भाई बैठे हैं, ये ऑलरेडी मसरूफ बहुत होते हैं, तो कुछ लोग माइंड मत कीजिएगा अगर रिस्पांस मैं नहीं दे पा रहा और रमन भाई नहीं दे पा रहे, ऐसे ही है रमन भाई, आप जरा मेंशन भी कर दें। मैं मेरे पास 25 प्लस मैसेजेस आए हैं अभी तक हमारी लास्ट वीडियो के बाद, मैंने ऑलमोस्ट सभी को रिप्लाई किया है, पर प्रॉब्लम ये है कि कई लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप हमारा अप्लाई करवा दो, आप हमारे लिए जॉब ढूंढ दो। अब मैं ये तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि ना तो मैं, मेरा ये बिजनेस है और मैं तो यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन, इंडियन पर्सन रह रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। आपने पूछा कि आप हेल्प कर दो तो मैं हेल्प कर रहा हूँ। आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि स्टूडेंट लाइफ कैसी है, स्टडी कितनी हार्ड होती है, इंग्लिश में होती है, लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में है, जॉब्स कैसी होती है, आवरली पे होता है, ये सब चीजें मैं बता सकता हूँ। अगर आप मुझे ये बोलो कि आप हमारे लिए जॉब ढूंढ दो, मैं नहीं कर सकता ये। मतलब अगर अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगा, आप मेंशन कर देना, तो जॉब्स तो है। बट प्रॉब्लम उधर ही आ जाती है कि जब कोई कंपनी जॉब प्रोवाइड करती है तो वो चार्जेस भी अपने लेती है, क्योंकि उन्होंने सारे पेपर वर्क करने होते हैं। जब जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि मेरा फ्रेंड जो आया था वो उसका कंपनी ने उससे मुझे लगता है कि 6-7 लाख लिए थे आराम से, क्योंकि उनका उन्होंने सारे ट्रांसलेशन वगैरह करानी होती है, सब कुछ करना होता है, और उसकी टिकट वगैरह होती है, उसमें एम्बेसी फीस होती है, सब कुछ होता है, ये सारे वो सर्विसेज जो होती हैं
उनके चार्जेस ये लेते हैं। क्योंकि क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की, जब आप किसी को बाहर से बुलाते हो ना, तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी exactly, होती है exactly. तो उसके लिए भी उनका मतलब होता है ना कि हम बिल्कुल. किसी को बुला रहे हैं, हमारे पास भी श्योरिटी होनी चाहिए exactly, तो कई लोग होते हैं कि जब उन, अब जैसे मुझे कल परसों एक लड़का बात कर रहा था इस वीडियो के बाद okay. वो मुझे पूछ रहा था कि कितना खर्चा है, उसको मैंने यही बताया था, मेरा फ्रेंड आया था क्योंकि उसका इतना खर्चा हुआ, तो वो मुझे बोल रहा था कि आप मेरे पैसे दे दो मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ इस चीज में, मैं तो करता नहीं, मैं आपको बता दिया, आप कंपनी ढूंढ लो, आप स्लोवेनिया में जहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड मतलब वेबसाइट्स वगैरह में के उसमें ऐसे ही चार्ज लेंगे, कुछ पैसे वो एडवांस ले लेते हैं क्योंकि वो अपना ये ट्रांसलेशन वगैरह करानी होती है, सबकी होती है ट्रांसलेशन। ये तो अगर आप ये सोचते हो कि मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, मेरी भी ट्रांसलेशन हुई थी डॉक्यूमेंट्स की okay. जब मैं आया था, वर्क परमिट की भी होती है इवन के अगर आपने टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया हुआ है जी, और उसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस जो पंजाब मतलब इंडियन लैंग्वेज में है या okay. फिर किसी और कंट्री की लैंग्वेज में है सही. वो भी आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। ओके नाइस अमेजिंग। सो ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब ऐसा ही है कि नहीं जी बोलते हैं, मे बी उनकी वेबसाइट पे मेंशन ही होगा, बट ये रिक्वायरमेंट है। मैंने मेरा तीसरा चौथा वीजा आ चुका है अभी, और हर वीजे में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाना, अच्छा वो मस्ट है। हाँ मस्ट है। तो ये सब चीजें होती हैं। बाकी फिर वीजा तो एक बार अगर कंपनी ने अप्लाई कर दिया वीजा तो आ ही जाता है, कई बार प्रोसेस लॉन्ग हो जाता है शॉर्ट हो जाता है, ये डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर। इसमें ना कंपनी कोई कुछ कर सकती है ना जिसने अप्लाई किया है वो नहीं कुछ, ये सब एम्बेसी पे डिपेंड करता है। हाँ ओके अच्छा राहुल भाई ये भी पता है मेरे पास काफी लोगों के मैसेज आए कि भाई हम इंडिया से रहते हुए डायरेक्ट वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं स्लोवेनिया का, इसका हल क्या है? हल हमें जॉब करनी है, वो एज अ स्टूडेंट तो नहीं आना चाह रहे, वो चाह रहे हैं हमें कोई काम मिल जाए यहाँ पे लेबर का या कोई भी, मोस्टली लेबर का काम। जॉब्स इधर काफी हैं, ऐसा नहीं है कि इधर जॉब सिर्फ जो लोग इधर रहते हैं उनको ही मिलती है। अब जैसे मैंने बताया कि मेरे एक नेपाल से लड़का आया था कुक okay. वो भी काम किया उसने, नेपाल से आया था, इंडिया से आया था, और भी कई टर्की से काफी लोग आते हैं वर्क परमिट के ऊपर, पाकिस्तान से भी आते okay. हैं, yes, सारी कंट्रियों yes, yes. से आते हैं। बट यह है कि आपको कंपनी ढूंढनी पड़ेगी okay. और या फिर कंपनी आपको अप्रोच करती है। बेस्ट बेस्ट वे ये है कि अब मैं तो यही बोलूंगा, मतलब मैं चाहता नहीं, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं जो ये डील करते हैं वो काफी चार्ज करते हैं पैसा, मैं सजेस्ट नहीं करता, बट फिर भी अगर कोई रियली चाहता है कि मैं जॉब करना चाहता हूँ आप किसी एजेंट से मिल लें ओके। जैसे मैं पंजाब से आता हूँ, पंजाब में काफी एजेंट है जो डील करते हैं यूरोप में, स्लोवेनिया जर्मनी ऑस्ट्रिया सभी कंट्रियों में डील करते हैं, उनसे आप बात कर ले, उन्होंने आपको बता देना है कि ये प्रोसेस है, वो यही बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही सारा प्रोसेस है, इससे डिफरेंट तो कुछ होता नहीं। तो फिर उनकी फीसें होंगी, चार्जेस होंगे जो होंगे उनके, फिर ऐसा ही है। अच्छा उसमें एक सबसे बड़ा डर होता है भाई उनके दिलों में कि कोई धोखा ना हो जाए। आजकल आपको पता है ना एजेंट्स बहुत से लोग हैं कहते हैं हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, कुछ एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, या वो कहते हैं यार एडवांस यहाँ हमें 50% दे दें पहले से ही, तो उसमें थोड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न बहुत ज्यादा आ जाता है, सिक्योर कैसे होगा वो? अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है कि मैं आपको वर्क ना स्लोवेनिया का नहीं बोल रहा पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी right. अगर वो बोल रहा है कि मैं आपके लिए जॉब आपको जॉब ढूंढ के दूंगा right. आपका वर्क परमिट अप्लाई करना है मत करो। uh-huh. जब आपको कोई बोल रहा है कि कंपनी उधर है वो आपको जॉब दे रही है उसका आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आएगा तब अप्लाई करो। ये श्योरिटी है, क्योंकि जब आप पैसे तब दो जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट देख लोगे जो कंपनी आपको प्रोवाइड करके देगी, आपको श्योरिटी हो जाएगी तब अप्लाई करो, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्ट जब आपने फिंगरप्रिंट करने जाना है जो एम्बेसी में आपका वीजा ऑफिसर होगा वही कॉन्ट्रैक्ट वो देखेगा उस पे ही आपका अप्लाई होगा और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उस पे। तो अगर आप लेट्स से मैं फिर वही बोलता हूँ कि जैसे आप हो गए आपने अप्लाई किया मैं कंपनी हो गई है मैंने आपको 5 डॉक्यूमेंट बना के दे दिए और 6वां उसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट था तो वर्क मेरे पास भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है मेरा जो मैं अपना काम करता हूँ पर हमारा मेरा थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैं इधर ही हूँ पहले से जो इंडियंस जो मतलब इधर से बाहर से आते हैं उनका थोड़ा डिफरेंट होता है उसमें एक चीजें कुछ एक्स्ट्रा मेंशन भी होती हैं क्योंकि उनका बैंक अकाउंट इधर आके बनना होता है टैक्स नंबर इधर बनना होता है सैलरी वगैरह सब कुछ फिर डिसाइड होता है सारा कुछ इधर आके होता है पर उसमें मेंशन होता है कि इसको इतना काम मिलेगा इतनी छुट्टियां मिलेंगी साल में इतनी
सॉरी इतना आवरली रेट और सब कुछ होगा, उसमें मेंशन होता है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि आपको एडवांस देना पड़ेगा, देखिए एडवांस तो ऐसा ही होता है कि जो इंडिया में आपका काम कराएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने एडवांस दिया था 500 यूरो दिया था जब मैं आया था, 5 साल पहले की बात है। उसमें उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट एपोस्टाइल करवाए थे, फिर उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट इधर भेजे थे स्लोवेनिया। अब आप सोच लो, जब आपने पंजाब से दिल्ली डॉक्यूमेंट भेजने हैं, एक डॉक्यूमेंट एपोस्टाइल 1000 से 1200 रुपए के बीच में होता है, इंडियन इंडियन रुपीज में। तो मेरे मेरे 4 से 5 डॉक्यूमेंट थे, तो आप रख लो 6-7 हजार वो हो गया, 100 यूरो वो हो गए, रख लें आप 5 साल पहले, पता नहीं यूरो कितने का था, मुझे तो याद नहीं अभी, तो वो हो गए। फिर इधर भेजने हैं, वो आप कोरियर सर्विस 2-3 हजार तो आराम से होंगे, राइट, ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी आपने जल्दी चाहिए, जल्दी, हाँ जल्दी वाली एक्सपेंसिव है, 5-6 हजार उसका, आप 200 उसका लगा लो, 200 यूरो। फिर इधर जो ट्रांसलेशन होनी है, जो इधर इधर थोड़े हर पेज का हिसाब से होती है, हर वर्ड के हिसाब से होती है, तो अगर आपके 5 डॉक्यूमेंट्स हैं तो 5 पेज इधर होंगे, इधर आप रख लो 200। आप सही कह रहे हैं, सही है, एग्जैक्टली 100 से 200। आपने भी कोई वीजा अप्लाई किया है? मेरा भी होता है, मेरे भी होते हैं, मुझे पता है। हाँ, फिर इधर ट्रांसलेशन के बाद जब इनो कंपनी ने आपका अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने की भी फीस 70 से पता नहीं 85 यूरो के बीच में है। तो कुल मिला के जो आपने एडवांस पैसे देने हैं वो इधर ही सारे यहाँ लग जाते हैं। एग्जैक्टली, तो वो ऐसा नहीं है कि वो पैसे एडवांस मतलब कि कोई अपना पर्सनल के लिए मांग रहा है या कुछ है, वो सब इधर इधर लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करता चलूं आप लोगों से, अक्सर लोग कहते हैं कि यार वर्क परमिट हमें स्लोवेनिया का चाहिए, वो प्रोसेस इतना ईजी नहीं होता कि आपने पासपोर्ट की कॉपी दी, लेट सपोज रमन भाई कंपनी है, आपने पासपोर्ट इनको भिजवाया, उन्होंने बोला ठीक है मैं एम्बेसी को आपका पासपोर्ट भिजवा रहा हूँ, आपने जाना है वहाँ फिंगरप्रिंट्स देने और आपको वहाँ पे वर्क परमिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, सारा लेंथी प्रोसेस है ये। आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन जैसे रमन भाई ने बताया अपोस्टाइल होते हैं पहले मिनिस्ट्री फॉरन अफेयर से, फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपने भिजवाने होते हैं स्लोवेनिया में, उसकी कुछ वर्किंग यहाँ पे भी होती है, ट्रांसलेशन वगैरह होते हैं, वो फिर वापस आपके पास आते हैं, ऐसे ही रमन भाई, फिर आपको जाना होता है एम्बेसी फिंगरप्रिंट्स के लिए, उसके बाद वेरीफाई वो आपको कंपनी बता देती है फोन करके या मैं ईमेल करके कि आपका इधर अप्लाई हो गया है, आप उधर अपनी अपॉइंटमेंट ले लो एम्बेसी में, परफेक्ट, तो फोन करके और अपने जाके फिंगरप्रिंट दे दो, इधर सारा फिनिश हो गया है, फिर इधर से हम डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, जब क्लाइंट मतलब जो भी वर्कर है उसके पास डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, वो अपना एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके अप्लाई कर दे जाके। अच्छा रमन, मैं दूसरा चीज ये भी बताया, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आ रहा है या कोई वर्क परमिट पे आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, स्टूडेंट नहीं, या लैंग्वेज का तो मतलब इंग्लिश चल जाती है, इंग्लिश आती है। और अगर वर्कर के लिए लैंग्वेज का कोई बोलता है कि हाँ भाई तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है मत जाओ, तो फिर आपको कंपनी हायर ही नहीं करना चाहेगी, यू नो, ये भी है, कंपनी को पता है ना कि मैं अगर हम इंडिया या किसी भी कंट्री से बुला रहे हैं उसको लैंग्वेज नहीं आ रही है, तो ये उनको पता है, वो क्यों हायर करेंगे किसी को लैंग्वेज लैंग्वेज का नहीं इतना है। हाँ, इधर ये है कि अगर आप अच्छी जॉब ढूंढना चाहते हो ना, अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने किसी ऑफिस में बैठ के जॉब करनी है, तो वो लैंग्वेज मांगेंगे, क्योंकि ऑफिस वर्क तो स्लोवेनियन लैंग्वेज में ही होता है ना। अब जैसे मैं बार में काम करता हूँ, मैं मैनेजर हूँ बार का, मुझे तो उधर ज्यादा लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ज्यादा फिजिकल वर्क है, पेपर वर्क कम है, डिपेंड करता है जॉब पे, डिपेंड करता है। अब जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह में आता है या प्लम्बर वगैरह में आता है या इलेक्ट्रिशियन वगैरह में आता है, उसके लिए तो फिजिकल वर्क ज्यादा है, फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क में लैंग्वेज की। करेक्ट करेक्ट। अच्छा रमन भाई, ये भी बताते चले अकोमोडेशन का, कोई अगर ऐसा स्टूडेंट वर्क परमिट ऑलमोस्ट कंपनी प्रोवाइड करती है उनको जगह, वर्क परमिट में आपको कंपनी बोल देती है, उसमें आपका सैलरी होती है, अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है वर्क परमिट में, अगर किसी को मिल रहा है यहाँ पे स्लोवेनिया का वर्क परमिट? हाँ, मेरा जो फ्रेंड आया उसको उसकी उसका जो बॉस है अभी, जो मेरा भी बॉस था, उसने प्रोवाइड किया, इधर ही रहता है वो, 2 गली छोड़ के मेरे पास। हाँ, उसका उसमें मोस्टली केसेस में कंपनी प्रोवाइड करती है। और स्टूडेंट केस में क्या होता है, जो स्टूडेंट यहां पे आते हैं, केस में होता है कि स्टूडेंट को अपनी अकोमोडेशन आप अप्लाई करनी पड़ती है। ओके, वहीं से? हाँ, वो हो जाती है, आप अपने कॉलेज को बोल दो, कॉलेज आपको अच्छा कॉलेज कर देते हैं, अगर उनको अपनी प्राइवेट चाहिए हो यहाँ पे, क्योंकि कॉलेज 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 तो आपका एक स्टडी स्कूल है ना, कॉलेज आपको कोई सैलरी वगैरह तो देता नहीं। अच्छा, है तो कॉलेज की इतनी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है। यस यस यस। जब हम आना था, हमने हमारा कॉलेज ने पहले से ही हमारे लिए बड़ा अपार्टमेंट एक लेके रखा हुआ था, हम 3-4 स्टूडेंट थे। ओके ग्रेट। अच्छा ये भी बता दें यहाँ पे रेंट क्या है, चार्जेस क्या है
अगर कोई चाहते डिपेंड करता है, आप अगर स्टूडेंट हॉस्टल में रहना चाहते हो 100-150 यूरो में आपको रूम मिल जाता है शेयरिंग में, सही, जहाँ पे किचन बाथरूम वगैरह शेयर में होता है और आपका एक रूम होता है, अपार्टमेंट होता है, जैसे मैं 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहता हूँ, इसका 300 यूरो किराया रख लो और बाकी जो बिजली वगैरह 400 यूरो हो जाता है, 400 यूरो हो जाता है अगर आप सेंटर में रह रहे हैं तो, जैसे आप मेन सेंटर में रहते हैं हमारी, मतलब इधर थोड़ा, क्योंकि मैं इधर थोड़ा ठीक है, इस साइड में सेंटर 5 मिनट में है, तो थोड़ा 50 यूरो एक्स्ट्रा होगा, मतलब ज्यादा कोई फर्क नहीं है। नहीं, मैं बेसिकली मेंशन नहीं करना चाह रहा हूं, अगर कुछ सेंटर से 10 किलोमीटर दूर आप रहते हैं या 20, वो तो बहुत सस्ता होगा, सस्ता होगा, बहुत सस्ता होगा, 200 यूरो में घर मिल जाएगा, एग्जैक्टली घर मिल जाएगा, सही कह रहे हैं ये, बिल्कुल ऐसा नहीं, मजाक नहीं कर रहा, एग्जैक्टली कह रहा हूं, मिलता है। अच्छा, सेंटर में आपको घर बहुत महंगे मिलते हैं, जैसे रमन भाई केरन के पास, तो सेंटर तो हर एक कंट्री में ऐसा ही है, अगर आप इंडिया में भी देख लो, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में ऐसा ही है सारे तरफ। अच्छा रमन भाई, ये बताएं, जैसे आप अकेले रह रहे हैं तो एक्सपेंस आपका खाने पीने का, नॉर्मल जो हम खाते हैं, 100-150 यूरो महीने का रख लो आप, डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हो। अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे रह रहा है, क्या कहते हैं, हॉस्टल्स में 100-150 वो लगा लें, 300 रुपए खर्चा, स्टूडेंट्स को कूपन भी मिलते हैं इधर। अच्छा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, टर्की के उसको मिलते थे, अगर जैसे यहाँ पे आपको युवका है, लेट्स सपोज 4 यूरो का, तो उसको हाफ प्राइस में मिलता था वो 2 यूरो। कई रेस्टोरेंट में आपको हाफ प्राइस देना पड़ता है, पर इधर 2-3 रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। अच्छा, लेकिन वो कूपन आपके पास होना चाहिए, वो कूपन होना चाहिए, वो आपको मिलता है अगर आप स्टूडेंट हो। ओके, नाइस नाइस। तो चले जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग के बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। फर्दर अगर आप लोगों ने कुछ और चीज पूछनी है आज से रिलेटेड, जो हमारा सेशन है जो मैं अपलोड करूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपने मुझे मैसेज करने हैं, आप मुझे मैसेज करो, पूछो कंट्री के बारे में, आपको मैं रिप्लाई करूंगा, पर पेशेंस रखो, जब मेरे पास टाइम होगा मैं करूंगा, बट ऐसे मत क्वेश्चन पूछो जो मतलब कि मुझे पता ही नहीं है। आप मुझे ये नहीं पूछ सकते कि अगर आप इधर आओगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि ये तो आपने पहले ही एग्रीमेंट किया होगा अपनी कंपनी के साथ, तो कंपनी आपको पहले बता देगी। मैं तो कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। आप मुझे मत बोलो कि आप मेरा अप्लाई करवा दो या मेरे लिए जॉब, मैं जॉब नहीं ढूंढ सकता। ऐसा है कि अगर मुझे किसी जॉब के बारे में पता होगा मैं इनको बता दूंगा, ये मेंशन कर देंगे अपनी वीडियो में, तो आप उसमें देख लेना, आपको कंपनी का कांटेक्ट कर लेना या जो भी होगा उसमें होगा, बट मुझे नहीं ज्यादा पता, मेरे पास टाइम भी नहीं है। अगर मैं आपको सच में, अच्छा स्टूडेंट्स के लिए अगर आप बता सकें, स्टूडेंट का जैसे कंपनी, तो जैसे आपने कहा इस चीज का आइडिया आपको तो नहीं होता कि वर्क परमिट में उन्होंने कितनी सैलरी मेंशन की है, लेकिन एज अ स्टूडेंट, अगर अगर कंपनी ने आपको बोला है कि कंपनी ने आपको हायर कर लिया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अच्छा, उसमें सब चीजें मेंशन होगा। अच्छा, जो लोग एज अ स्टूडेंट आते हैं पार्ट टाइम, वो कितना कमा सकते हैं यहाँ पे आपके हिसाब से? डिपेंड करता है, अगर आपके पास छुट्टियां भी होती है इधर 1-2 महीने की, उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है, 600-700 यूरो आराम से कमा सकते हैं। अच्छा, उनका जो एक्सपेंस है यहाँ का इजीली मैनेज कर सकते हैं आराम से। हाँ, अगर उनका लाइफस्टाइल स्टूडेंट्स वाला है तो वो कर सकते हैं, अगर उनका लाइफस्टाइल एज अ स्टूडेंट बट वो रहना चाहते हैं एज अ वर्कर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर दे वांट टू स्टे लाइक अ स्टूडेंट इट्स पॉसिबल। अब उसमें अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट कहते हैं हमें फैमिली को भी थोड़ा भेजने सपोर्ट करने कि हमारे यहाँ का अपना भी चलता रहे, घर का खाने पीने का, और कुछ 200 यूरो हम 300 भिजवाते भी रहे फैमिली को, सॉरी, वो तो डिपेंड करता है कि अगर आप कितनी सेविंग कर सकते हो। सेविंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है, अब आपको स्टूडेंट कूपन भी मिल रहे हैं। हाँ, ये, यस, एक्जेक्टली, यस, ज्यादा पार्टी पोटी मत करो, ना करो, यस यस, आप बचा लेते हो। अगर आपको सर बताऊं, आप 100 यूरो में भी खाना पीना मैनेज कर सकते हैं। इधर इधर खाना सस्ता बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, अगर आप मुझे पूछो तो। एक्जेक्टली, 10 यूरो में आपका एक हफ्ता बड़े आराम से ग्रोसरी मिल जाता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लिटरली ऐसे ही है। आलू 1 यूरो के किलो आ जाते हैं, प्याज किलो आ जाता है, बिल्कुल आटा आ जाता है, और अगर किसी ने चने बनाने हो, सब्जी बनानी, बड़ा आराम से निकल जाता है। एब्सोल्युटली राइट, तो डिपेंड करता है आपने कैसे रहना है। अगर आपने रोज पिज्जा बर्गर खाने हैं तो फिर तो भाई आपको थोड़ा फिर मंगवाने पड़ेंगे इंडिया से। तो चले, आज का सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन रमन भाई आपके टाइम का। तो चलिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। रमन भाई का मैं इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
इनके पास जब भी टाइम होगा दोबारा मैं बता दूं तो ये आपको रिस्पॉन्स जरूर देंगे, और कोशिश कीजिएगा प्लीज इररिलेवेंट क्वेश्चन मत पूछिएगा इनसे। अगर कोई मुझसे पूछेगा मैं चार्ज करना शुरू कर दूंगा। हाँ ये बात तो है, तो फिर आप चार्ज करें, आप जो पूछना चाहेंगे आपको बताएंगे। पता क्या है, ऐसा नहीं होता कि आंसर तो हर एक क्वेश्चन का होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, बट कई टाइम जैसे अब मैं जॉब से आता हूँ 10 घंटे 12 घंटे काम करके आया मैं, फिर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसका मेरे मतलब कि मेरे दायरे में नहीं है जवाब देना, फिर वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा उसमें काफी लोग वेट कर रहे होते हैं कि हम रिस्पांस नहीं देना चाह रहे हैं उनको, ऐसा नहीं होता वो नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले तो टाइम डिफरेंस है, ठीक है, परफेक्ट। दूसरा बात है कि जब मैं जॉब पे होता हूँ, मैं जॉब पे बड़ा कम फोन यूज करता हूँ, वेरी गुड, हमारी कोशिश होती है स्पेशली मेरी तो कि मैं हर बंदे को रिस्पॉन्स करूं, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रहा अभी यहाँ पे। रमन भाई एक बार में मैनेजर हैं, तो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसा इन्होंने अभी आपको बताया, कभी कभी टाइम बहुत शॉर्ट होता है, उसके बावजूद भी इन्होंने आपको मैसेजेस किए, सो आई डू अप्रिशिएट उनकी तरफ से, आई बिलीव आप लोग भी अप्रिशिएट करें इनको, इन्होंने मुझे अभी भी टाइम दिया, और मैं स्पेशली मैं आप लोगों के लिए रमन भाई के पास आया हूँ ताकि आपके जो क्वेश्चन थे उसको मैं उनको मैं क्लियर कर सकूँ रमन भाई के थ्रू। तो चलिए आज का सेशन करते हैं एंड, फिर आप सबसे होगी मुलाकात। बाय बाय बाय।